ए माइथोलॉजी, इट इज नॉट ए मिथ. मिथ का अर्थ होता है पता नहीं, ये किंवदंती है, गप है, झूठ भी हो सकता है, मिथ भ्रम भी हो सकता है, ये माइथोलॉजी नहीं है. आप इसे हमारी भूमि की उत्पत्ति कहिए, इंडोलॉजी कह सकते हैं आप इसे माइथोलॉजी नहीं कह सकते. तो हो सकता है कि जब निकल करके आए तो ये माइथोलॉजी की सारी चर्चाएं जो हिंदुइज्म के साथ जुड़ी जाती हैं वो समाप्त होने लगे, क्योंकि इनके यहां जो कुछ भी हम मिथ मानते थे उसकी पूरी टेस्टिमनी सामने उपलब्ध है. और जिसकी टेस्टिमनी, जिस मिथ की टेस्टिमनी मिल जाए वो हिस्ट्री कहलाता है. वैज्ञानिक स्तर पर हिस्ट्री केवल उसको मानते हैं जिसके साक्ष्य प्राप्त हो जाए. आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि नहीं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स आर ओनली दोज जिनके एविडेंस मिल जाए, साक्ष्य मिल जाए, कोई स्तूप मिल जाए, कोई लिपि, कोई शिला मिल जाए, उसे हिस्टोरिकल, बाकी को मिथ मानते हैं. तो हिंदू माइथोलॉजी में या जो हमारी माइथोलॉजी है उस माइथोलॉजी के अनेकों तत्व नीचे पृथ्वी में है. उसी की दृष्टि से मन बहुत गहरा था कि वहां जाया जाए, और अब मैं जा रहा हूं और सौभाग्य एक बात क्या कि आपके साथ भी बांट रहा हूं, आप भी जाइएगा. इस श्लोक के साथ जोड़ करके मैं इस बात को बोल रहा हूं क्योंकि यहां बात बुद्धि को निर्मल करने की है. दो श्लोकों की. अहमदाबाद से सोमनाथ जाते समय रास्ते में एक स्थान आता है जूनागढ़. जूनागढ़ में गिरनार पर्वत है. गिरनार पर्वत कहते हैं हिमालय से कहीं पुराना है, हिमालय बहुत नया है, गिरनार पर्वत पुराना है. इसके विषय में मुझे बताया गया है, मुझे सूचना दी गई है कि वहां पर आज भी सिद्ध आत्माएं उसी अवस्था में जैसे हिमालय में हम कल्पना करते हैं, ऐसा मुझे बताया गया. दो स्थान वहां के बहुत बड़े हैं जहां जाने का बड़ा मन है, व्यवस्था कैसी बनेगी मैं जानता. एक, वहां पर हमारे बहुत बड़े तीर्थंकर हुए हैं नेमिनाथ जी, और दूसरा वहां पर बहुत बड़ी तपस्थली है भगवान दत्तात्रेय जी की. दोनों की तपस्थली गिरनार पर्वत पर बताई जाती है. डिस्करेजिंग फैक्ट केवल एक ही है, वो क्या है, हालांकि वो मेरे लिए उतना डिस्करेजिंग नहीं, फिर भी, कि 10,000 सीढ़ियों के बाद पहला पड़ाव आता है, ऐसा बताने वालों ने बताया. कितने? 4,500. हाँ, तो वो 10,000 बताया उन्होंने, तो 4,500 तो कैन बी एडजस्टेड, उतना तो आदमी उतना तो हाथ लगा के आ सकता है. है जी, रुक रुक के है, आप गए हुए हैं. अच्छा, तो ये जो केवल माइथोलॉजी थी, ये वस्तुतः हमारे हमारे यहां का विज्ञान और ज्ञान है जिसकी स्थापना है, जिसके साक्ष्य मिल रहे हैं. किसी भी बुद्धि को एक क्षण में निर्मल करने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि जो कुछ भी आज तक हमारे सामने हमारे अतीत से आया है वो साक्ष्य सहित प्रमाणित होने की भी संभावना रखता है. अनेकों बातें और भी सामने अब धीरे धीरे आ रही, उनका पूरा उल्लेख नहीं करूंगा. मैं उसी विषय पर था हूं, आगे बढ़ता हूं कि ज्ञान उस अव्यक्त से जिसे हम केशव के नाम से संबोधित करते हैं, जिसे हम व्यक्ति के रूप में देखते हैं. आज तक मैं सोचता था, देखिए कितनी बड़ी बात है, आप में से जो लोग इस यात्रा में मेरे साथ हैं, मैंने आपसे कहा कि गीता मैंने भले ही पढ़ी हो लेकिन जब से मैंने पढ़ाने की बात की है तब से वो गीता वो नहीं है जो मैं आज तक पढ़ता था. पढ़ाते समय गीता मेरे लिए बिल्कुल अलग हो गई है. जब पिछली बार हमने चौथे अध्याय का पाठ शुरू किया था तो मैंने इसके श्लोक नंबर 3, 4, 5, 6 के विषय में ऐसा कहा था कि भगवद गीता में कुछ ऐसी चीजें हैं. आज पीछे आ जाओगे बाद में? नहीं नहीं, आने वाले आना चाहते पीछे. भगवद गीता में कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल मुझे लगता है बाद में जोड़ी गई हैं, फिलर्स हैं, और मैं जो बाद में जोड़े गए श्लोक हैं उनको नहीं पढ़ाऊंगा, जिसमें से वो 3, 4, 5, 6 नंबर बाद में आप अगली बार पढ़ोगे. उसमें एक श्लोक में ये कहा गया है कि मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूं. अभी तक मैं ये मानता था कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन.
साइंटिफिकली इट कैन नॉट हैपन, टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल कि जो मैनिफेस्टेशन ब्रह्मांडों में फैली है वो कॉन्क्रिटाइज होकर के एक स्वरूप में नहीं आ सकती. इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल. आज जब मैं दोबारा से इसको पढ़ाने लगा हूं तो मेरी बुद्धि ये कहती है ये ठीक है कि जो ब्रह्मांडों में फैल गया वो एक शरीर में नहीं आ सकता, लेकिन ये तो हो सकता है कि जो ब्रह्मांडों में फैल गया वो एक शरीर में कुछ घनीभूत हो जाए, माने उसकी मात्रा किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क में, किसी एक व्यक्ति के अंतःकरण में बहुत अधिक आ जाए. ऐसा तो ईश्वर कर सकता है. रशिया में कहते हैं कि बहुत साल पहले एक छोटा सा बच्चा हुआ था. मैंने इसको इंटरनेट पर वीडियो देखी, मैंने आई मैं रिसर्चर तो यही करता हूँ. उस बच्चे की छोटी सी अवस्था थी, कहते हैं 8 से 10 साल की, 8 से 10 साल की अवस्था में, और वो ऑर्फन था, उसके माता पिता नहीं थे. उस बच्चे को जिस जगह पर एक लेडी ने अपने यहाँ गोद ले लिया और गोद लेकर के उसका पालन पोषण शुरू किया. जब उसका पालन पोषण वो कर रही थी तो वो हैरान हो गई एक दिन कि रात को सोते समय वो बच्चा बिस्तर से 5-6 फुट ऊपर उठ जाता था, तैरता था और फिर अपने आप तैर करके नीचे वापस आ जाता था. वो समझ नहीं पाई ये हुआ क्या है. उस बच्चे की चर्चा एक दिन अपनी माँ से और उसके साथ किसी और व्यक्ति से हो रही थी तो उस बच्चे ने कहा, मैं घनीभूत की बात कर रहा हूं कि एक व्यक्ति में चेतना घनीभूत हो सकती है. उस बच्चे ने उस व्यक्ति से, प्रमाण है, व्यक्ति से कहा, आज से 40 साल बाद यूरी नाम से, यूरी गागरिन संभवतः उसका नाम है, नाम से एक व्यक्ति मैं देख रहा हूं इस समय अंतरिक्ष में पहली बार मनुष्य रूप में पहुंचा है. ये उसने 40 साल पहले कहा. जैसे ये बात उसने 40 साल पहले कही, वीडियो है, पूरा रिकॉर्ड है, जो वहां की खुफिया एजेंसी है रशिया की, उसे केजीबी कहते हैं, जैसे भारत में रॉ है, सीआईए है, केजीबी कहते हैं, कि अगले दिन सूचना जाने से अगले दिन या अगले सप्ताह केजीबी के लोग आए और उसको लेकर के चले गए. उसके बाद क्या हुआ ये उल्लेख वीडियो में नहीं आया, उसके बाद क्या हुआ, लेकिन यह पूरा उल्लेख है कि उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने 40 साल पहले की यथावत घोषणा की इनोसेंस में. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ईश्वर की क्षमताएं, उसकी पावर्स किसी एक व्यक्ति में कुछ अधिक अंशों में भी अवतरित हो सकती हैं, और जिसमें उनका अनेकों अंशों में अवतरण होता है उसको हम अवतार भी मान लेते हैं. वो ब्रह्म है कि नहीं ये भी बात नहीं है, लेकिन उसमें ब्रह्म की प्रकाश की मात्रा किसी और के अनुपात में अधिक अंशों में अवतरित है. इस मैनिफेस्टेशन को हम अवतार रूप में भी मान लेते हैं. सामान्य बुद्धि तो भगवान ही कह देती है उस व्यक्ति को, तो कोई बात नहीं, उस पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. आज ये बात मन में आती है, आज ये बुद्धि की निर्मलता कहती है कि नहीं, ये संभावनाएं हैं, इट इज पॉसिबल. क्यों? क्योंकि ये वो अनंत ज्ञान है जिसकी रचना कहां से हुई, जिसकी रचना उस ब्रह्मांडों के संविधान रचयिता ने अपनी व्यवस्था के रूप में की, जिसे उसने प्रकाश के रूप में नाम दे दिया, जिसे गायत्री संकेत करती है, जिसका विस्तार उपनिषदों वेदों में आया है, और जिसे यहां उन्होंने विवस्वत के नाम से संबोधित किया. सूर्य, वो प्रकाश, लाइट 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 मीन्स, नाउ लाइट डज नॉट मीन दैट एनेबल्स यू सी वॉट इज इन फिजिकल फॉर्म. लाइट ऑल्सो मीन्स समथिंग दैट एनेबल्स यू सी द अनसीन, एनेबल्स यू अंडरस्टैंड बियॉन्ड. लाइट वो भी है, उस लाइट की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, मतलब आज जिसके व्यक्ति को कहा कि नॉलेज बेटा तेरी खोपड़ी की उत्पत्ति नहीं है, ये तो ब्रह्मांड रचते समय मैंने प्रोग्राम रचा था प्रकाश के रूप में, और उस प्रकाश के प्रोग्राम को मैंने विवस्वत नाम दिया था, और उस प्रोग्राम को एप्लीकेशंस में लाने के लिए मैंने एक सिस्टम बनाया जिसे मनु का नाम दिया. आपके यहां जो भी प्रोग्रामर ड्राइविंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर में,
चाहे वो लाइनेक्स बेस्ड हो या वो एमएस बेस्ड हो, पहले डॉस बेस्ड हमारे होते थे, तो ये जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वस्तुतः आप नहीं चलाते हो, आप तो एप्लीकेशन चलाते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाते हो, एक्सप्लोरर चलाते हो, आप कुछ और एक्सेल चलाते हो या और जितने सॉफ्टवेयर चलाते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम तो पीछे अपना काम करता है, आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलाते हो ना उसमें छेड़छाड़ करते हो। उसी प्रकार इन्होंने कहने की चेष्टा की है कि मैंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेरित किया जिसे मैंने विवस्वत नाम दिया। उस विवस्वत के अंतर्गत अनेकों विधान थे, अनेकों विधान थे जिसे मनु के नाम से संबोधित किया। और यहां क्योंकि समझा रहे हैं तो समझाने की दृष्टि से बोल रहे हैं, मैंने इसको दिया, इसने इसको दिया, मैंने एज अ प्रोग्रामर ऑपरेटिंग सिस्टम को रचा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने एप्लीकेशन को सपोर्ट किया, अगर टेक्निकली समझना हो। और फिर मनु के बाद इक्षु, वाह, माने वो भेद कर पाने की बुद्धि की क्षमता को मैंने दिया, प्रज्ञा 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 को मैंने दिया। मैंने कहा ना गायत्री है प्रज्ञा, माने जो नीर क्षीर विवेक कर देती है, द फार साइटेड विजडम। देयर इज नो वर्ड अवेलेबल इन इंग्लिश विच कैन इवन अप्रोक्सीमेट प्रज्ञा। वी हैव टू क्रिएट फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू अप्रोक्सीमेट द एसेंस ऑफ प्रज्ञा। उसकी निकटता प्राप्त करने के लिए भी वाक्य रचने पड़ते हैं लेकिन प्राप्त नहीं होती है। तो यहां उन्होंने बड़े सुंदर रूप में कहा कि मैंने इस उस ब्रह्मांडीय प्रोग्राम सूर्य को दिया, उस सूर्य से फिर अनेकों एप्लीकेशन विकसित हुए, उन एप्लीकेशन के माध्यम से फिर आगे ज्ञान इस विवेक को प्राप्त हुआ। और ये विवेक शब्द है लास्ट में राज ऋषि, राज ऋषि, ये बहुत बड़ा शब्द है क्योंकि इस शब्द के विषय में आपको सबसे पहले समझना होगा इस शब्द में एक शब्द बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग जुड़ गया है। ऋषि सामान्य तो हम ऋषियों के बारे में जानते हैं जो अध्यात्म चेतना के शोध में संलग्न है। राज शब्द कहां से आ गया? राज शब्द तो लोकदल, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, इन लोगों का विषय है, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स का विषय है। ये राज शब्द का ऋषि के साथ